नमस्ते दोस्तों, क्या आप बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं? ये है बांसुरी। बांसुरी दो प्रकार की होती है, एक तो सामने से, इसमें जो ये दिया हुआ है इसमें होठों पे लगा के इसको हवा भरते हैं और इसमें फूंक मारते हैं। इसमें देखिए छह छिद्र हैं, इन छह ही छिद्रों को आप अपनी उंगलियों से इस तरह से पेक कर दीजिए कि इसमें कहीं भी हवा ना निकले। इस तरह से ये खुला रहता है तो इसको लीक होना, आपकी जो फूंक है वो लीक हो जाएगी। इस तरह से सारे छेद आपको बंद करने हैं दोनों हाथों की उंगलियों से। फिर जितना कम आप इसमें फूंक लगा सकते हैं उतनी कम मात्रा में इसमें फूंक लगानी होगी। तो जब आप छह ही छिद्र बंद कर लेंगे और फूंक मारेंगे तो इसमें से पहला स्वर जो निकलेगा वो सा होगा। फिर दूसरा स्वर नीचे नीचे की इस उंगली को आप ऊपर करेंगे तो रे बजेगा। फिर इसको और इसको उठा लेंगे तो ग बजेगा। तीनों उंगलियां उठा लेंगे तो म बजेगा। फिर दूसरे हाथ की इस उंगली को उठाएंगे, प, ध, और सारी उंगलियां उठा लेंगे तो नी बजेगा। इस तरह से ये स्वर सा रे ग म प ध और नी ये बनेंगे। ये आपका बांसुरी सीखने का पहला सबक है। आगे और फिर हम आपको बांसुरी की ये शिक्षा के बारे में बताएंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। और बांसुरी ही नहीं, और भी अन्य कई वाद्य यंत्र कैसे बजाए जाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे।